नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चुंदेल। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के अति पिछड़ा जिले पन्ना में कब किसकी किस्मत चमक जाए और यहां की धरा कब किसे रंग से राजा बना दे या कब किसकी किस्मत चमका दे, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ऐसा ही कुछ एक मजदूर मुलायम सिंह के साथ हुआ है। दरअसल एक मजदूर को 6 दिसंबर को कृष्णा कल्याणपुर की एक उथली हीरा खदान में 13 कैरेट का एक बड़ा हीरा मिला। इसकी कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। इस हीरे के मिलने के बाद मजदूर की खुशी का ठिकाना नहीं है। इतना ही नहीं, आज 6 अन्य हीरे भी मिले हैं। इस तरह कल का दिन पन्ना के लिए डायमंड डे साबित हुआ। दरअसल पन्ना की धरती हमेशा खूबसूरत हीरे उगलती है। पूरी दुनिया में खूबसूरत सर्वोत्तम क्वालिटी के जैम हीरे यहीं मिलते हैं। आपको बता दें, 6 दिसंबर को आदिवासी किसान मुलायम सिंह को 13 कैरेट का हीरा मिला। इसे देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। अब उसका कहना है कि मैं इस हीरे से मिलने वाले पैसे से बच्चे को पढ़ाऊंगा। मुलायम सिंह को मिले हीरे के बारे में पारकी अनूप सिंह का कहना है कि ये सर्वोत्तम क्वालिटी का हीरा है जिसे आने वाली नीलामी में रखा जाएगा। उनका कहना है कि आज जो हीरे मिले हैं उनकी कीमत लाखों रुपये में है। ये हीरे 13.54 कैरेट, 6 कैरेट, 4 कैरेट, 43 सेंट, 37 सेंट और 74 सेंट के हैं, जिनकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए हो सकती है। हीरा पारकी अनूप सिंह ने कहा कि इनकी वास्तविक कीमत नीलामी के समय ही पता चल पाएगी, लेकिन जिस तरह आज हीरे मिले हैं उससे गरीब लोग खुश हैं, क्योंकि इससे उनका भविष्य बदल सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक 13 कैरेट का हीरा खोजने वाले मजदूर मुलायम सिंह को कितना पैसा मिलेगा, इस सवाल का जवाब देते हुए हीरा कार्यालय ने बताया कि जब हीरे की नीलामी होगी तब जो भी पैसा आएगा उसका 12% कर काटकर सभी पैसा मुलायम को दे दिया जाएगा। अगर हीरा 60 लाख में नीलाम होता है तो मुलायम को 52.80 लाख रुपए मिलेंगे। इस तरह मजदूर की रातों रात किस्मत बदल गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।